तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस हैव वेरी वेल। तो फाइनली आज मैं आप सबके लिए एक फिर से ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आप सबको यकीन हो जाएगा कि बॉलीवुड को जो मैं इस वर्ड से नवाजता हूँ, जो इस वर्ड का ताज पहनाता हूँ, जिसका नाम है टट्टी वर्ड का जो ताज पहनाता हूँ ना बॉलीवुड को, वो आप सबको आज रियलाइज हो जाएगा कि ये ताज जो मैंने, ये जो लकब बोलते हैं ना, ये जो मैंने बॉलीवुड को दिया है ना, क्यों दिया है। तो एक वीडियो आने वाली है, मतलब एक मूवी आने वाली है, अभी काफ़ी टाइम के बाद आने वाली है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि अगर अट्रैक्शन डालनी है पब्लिक के बीच में, तो कुछ ऐसा डालो कि पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए, पब्लिक एक्साइटेड हो जाए। बट इन्होंने 3 मिनट की एक क्लिप डाली है, और उस 3 मिनट की क्लिप में एक भी सेकेंड आप ऐसा बता दो जिसको आप बोलोगे कि हाँ हमें अच्छा लगा, तो कुछ नहीं भाई, अच्छा लगा तो अच्छी बात है। बट ऐसा अच्छा लगने वाला कुछ उसमें है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्लिप क्या है, और इस वीडियो में, मतलब इस जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर जितने भी बॉलीवुड के नमूने हैं, कुछ नमूने ऐसे हैं जो अपना करियर बर्बाद कर चुके हैं और दूसरों का करियर खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। गजब बेइज्जती है। कुछ ऐसे हैं जो लेजेंड हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल से उनके लिए भी अब रिस्पेक्ट नहीं निकल रही है। तो इतनी बातें हो गई हैं, पहले उस वीडियो की कुछ क्लिप्स आप लोग देख लो, देन आगे भी बातें करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में कहीं से आपको किसी के भी फेस पे थोड़ी सी भी शर्म दिख रही है, एक्टिंग की शर्म दिख रही है, भाई साहब इसमें कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो एक्टिंग कर रहा हो इस वीडियो में खड़ा होके। मतलब बॉलीवुड के नाम पे ना, इस समय लोग चाह रहे हैं कि बॉलीवुड के नाम पे बस जो मिल रहा है ले लो। भाई बॉलीवुड के नाम पे हमें क्या कचड़ा और कूड़ा या टट्टियां देने का सोच रखा है क्या? बॉलीवुड कुछ करना नहीं चाहता अब, या बॉलीवुड में करने वाला कोई है ही नहीं? भाई साहब बॉलीवुड का ही है किंग खान है, उसको देख के शर्म कर लो तुम लोग। कुछ तो ऐसा कर लो कि जिससे हाँ हम भी बोले कि हाँ बॉलीवुड की जो शान है, बॉलीवुड जो पहले था वो आज भी है। इसी वजह से, यही एक वजह है कि मैं बॉलीवुड को इतने अच्छे वर्ड से नवाजता हूँ और इतना अच्छा लकब मैंने दे रखा है। इस इतने से अगर दिल नहीं भरा है ना, तो एक इसी का एक छोटी सी क्लिप और देख। अबे गाना, अक्षय सर हम इतने भी बेवकूफ, इतने भी चूतिया किस्म के इंसान नहीं, ऐसा है आप हमारे बॉलीवुड को बख्श दें और आप रहने दें, आपसे ना हो पाएगा। आपसे ना हो पाएगा इसलिए क्योंकि आपने हमें 3-4 साल के अंदर मेरे नजरों में कोई एक ऐसी मूवी नहीं दी है जिससे हम संतुष्ट हो सकें आपसे। तो कृपया करके आप अपना करियर तो खा चुके हैं, बाकी अपने साथ साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, इन लोगों का भी करियर आप खा रहे हैं। तो मैं संजय सर, सुनील सर, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इन प्राणी से दूर रहें, अपना करियर ना खाएं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस वीडियो देखने, मतलब ये वाली वीडियो जो है ना, इसको देखने के बाद मेरे दिल से जो आप लोगों की रिस्पेक्ट है ना, वो निकल नहीं रही है। आप कोई और वीडियो बनाओगे ना, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ पे आपको रिस्पेक्ट दूंगा और इज्जत दूंगा, बिकॉज आप लोगों की दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट इसमें जितना भी फेस है, इन सारी वीडियो को आप देख सकते हो, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो एक्टिंग कर रहा हो। भाई सब यही सोच के खड़ा है कि नहीं यार, चल ना पैसे मिल रहे हैं बॉलीवुड के नाम पे, लेते हैं, पब्लिक तो है ही, चू तो बनाते हैं, चू उसको। बात तो सही है, यही कर रहे हैं ये लोग बॉलीवुड में, और तो कुछ करने को रहा नहीं इनके पास। भाई बॉलीवुड में जो करने को है वो तो कर ही रहा है, तो उससे देख के आप लोग शर्म कर लो और आप लोग भी कुछ काम कर लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो मेरी राय है, मैंने बता दी है कि बॉलीवुड में ना इन लोग बॉलीवुड के नाम पे गंद फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और बॉलीवुड का बेड़ा गर्क करने वाले ऐसे ही महान महान प्राणी है। तो आप लोग इन महान प्राणी के बारे में क्या सोच रखते हो, क्या कहना चाहते हो, प्लीज कॉमेंट्स में बताना। एंड मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है आप लोग कॉमेंट्स में बताना। और हाँ, ऐसे ही नई नई वीडियो आती रहेगी, मैं उस पर रिव्यूज़ देता रहूँगा, और अपनी जो टिप्पणी हैं, अपनी जो बातें हैं, वो मैं रखता रहूँगा।
और आप भी अपने मेरी वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका मतलब आपकी टिप्पणी है, जो आपकी सोच है, आप लोग रखते रहो, कमेंट्स भरते रहो एंड सपोर्ट करते रहो, ताकि ये इनका सोचना है ना कि बॉलीवुड कुछ भी करके देगा और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम अब जागरूक हो चुके हैं, हमें समझ में आता है कि एक्टिंग किसको कहते हैं, हमें समझ में आता है क्वालिटी किसको कहते हैं, हमें समझ में आता है स्टोरी लाइन किसको कहते हैं, हमें समझ में आता है कि VFX किसको कहते हैं, हर चीज़ हमें पता है। तो अब अगर हम अगर समझदार नहीं हुए तो हमें ये ऐसे ही चू बनाते रहेंगे, ठीक है? तो चू ना बने, अपना अपने आप को समझें और ऐसी मूवियों को, अच्छी मूवियों को देखें, एंजॉय करें, क्योंकि देखो यार बॉलीवुड हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी रिस्पेक्ट बचाना हमें। देखो हम अगर इस चीज़ पे वो नहीं करेंगे तो ये कुछ भी बनाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमारे इंडिया का जो एक सीरियल इंडस्ट्री है, सीरियल इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, तो उसमें एक स्कूटर उठा के चांद पे पहुंच जाता है पब्लिक। खाम खा हमारा इसरो इतना परेशान है कि इतने पैसे खर्च कर रहा है, इतनी मेहनत, इतना एफर्ट लगा रहा है, इतने इंजीनियर, इतने साइंटिस्ट जो है वो मेहनत कर रहे हैं चांद पे पहुंचने के लिए, ये स्कूटर उठा के चांद पे पहुंच जा रहे हैं, तो इसरो को इनसे कांटेक्ट करना चाहिए और पहुंच जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस भेजते रहो, अगर आप लोग भेज सकते हो, आप लोग की तरफ से रेफरेंस है उस पे मैं अपने रिव्यूज देता रहूंगा, बाकी अगर जो भी नए अपडेट्स आते हैं बॉलीवुड की तरफ से मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और ऐसी वीडियो को देखने से बचते रहो। बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, एंजॉय करें।